गुस्सा आया है किसी से, मौका लग गया, छोड़ोगे थोड़े ना। बच्चे करें ना तो स्कूल में साइकिल लगाते हैं ना स्टैंड पर, तो एक को दूसरे पे गुस्सा था, वो स्टूडेंट जब आई स्कूल में तो उसने लगाई साइकिल, और जो उसे तंग करती थी उस लड़की की भी लगी थी साइकिल, और वहां कोई है नहीं क्योंकि वो लेट पहुंची, तो उसने अपने बालों से सुई निकाली, उसके टायर की हवा निकाल दी, और बड़ा खुश हो रही। वही इसमें खुशी वाली कि किसी को परेशान किया ना, किसी पर क्रोध है, अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ गलत काम कर दिया। अब गलत काम करके किसी का नुकसान हुआ या ना हुआ, लेकिन आपने इतने लंबे समय तक अपने मन में क्रोध, ये रंजिश मन में रखी, ये नुकसान आपका ज्यादा बड़ा है कि उसका? इफ यू होल्ड अ बर्निंग कोल इन योर हैंड टू हिट समबडी, या श्योरली यू वर ऑन द मार्क एंड यू हिट दैट पर्सन, बट इन टेकिंग योर एंगर आउट हैवंट यू बर्नट योर ओन हैंड? क्रोध वो जलता हुआ कोयला है जो तुम अपने मन में रखते हो। अब नाराज होके बैठे रहो सबसे, सारी दुनिया से ही नाराज। अच्छा, जो सबसे नाराज रहते हैं या किसी एक से नाराज रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकेगा। जो ज्यादा गुस्सा रखते हैं ना, उनके हाई ब्लड प्रेशर की चांसेस ज्यादा हो जाएंगी। जो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये मेडिकली प्रूवन है इस समय, जो ज्यादा इमोशनल बात बात पर रोने लग गए, बात बात पे कोई याद आ गई रोने लग गए, उन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम, दिल के रोग हो जाते हैं जल्दी। आप अपने परिवारों में भी देखेंगे ना तो आपको ऐसे कुछ उदाहरण मिल जाएंगे। जो हृदय रोगी है वो अधिक समय भावुक होगा, इमोशनल होगा, और जिनके ब्रेन में क्लॉट आ गया या नर्व बर्स्ट हो गई या कॉम्प्लिकेशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आ जाती है, आप देखेंगे तो बहुत गुस्से वाले लोग होते। कई बार कहीं कहते नहीं जी ना, उनको तो जरा भी गुस्सा नहीं। मैंने कहा यही तकलीफ है कि बेचारा गुस्सा बाहर निकाल ही नहीं पाए, अंदर अपना ही खून उबाल रहा है बैठा। क्रोध अंदर रखेंगे तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, और भावनाओं को दबा के अंदर रखेंगे तो दिल। जिंदा रहने के लिए ये दोनों अंग आपके सही होने चाहिए कि नहीं? इसलिए ना तो गुस्सा खाओ, ना नाराजगी रखो किसी के लिए भी, और ना भावुक होकर के बैठ रोते रहो सारा समय। तो दिल भी सुरक्षित, दिमाग भी सुरक्षित। वैसे आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो डॉक्टरों को और एंजियोप्लास्टी और बाईपास कराने से तो अच्छा है ना, वो पैसा दान कर दिया करो, किसी गरीब की मदद कर दो, काहे डॉक्टरों पर खर्च करना। लोभ क्रोध मोह पूर्वक जब कोई इन वितर्कों में फंस जाता है तो उसकी तीन स्थितियां होती हैं, मृदु, मध्य और तीव्र। मृदु माने थोड़ा, मध्य माने मिड लेवल का, तीव्र माने बड़े जोर से। एक वो है जिनको, जैसे एक हम गुस्से का ही अगर एग्जांपल लेते हैं, एक लोग वो है जिनको इतना गुस्सा आता है कि अपना सिर फोड़ लेंगे या किसी का सिर फोड़ लेंगे,
और फिर बाद में बैठ के रोएंगे, गुरुजी ने कहा था गुस्सा नहीं करना, मैंने फिर कर दिया। दूसरा है मृदु, मृदु माने थोड़ा थोड़ा, मध्य लेवल का, और मृदु माने बहुत माइल्ड। आया गुस्सा, देखिए ये कहना कि गुस्सा आएगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, वो एक को नहीं आता, दो को चलो कर देते हैं, एक थोड़ी ज्यादा कम हो जाएगा। एक जो समाधिस्थ योगी है, मैं समाधिस्थ योगी कह रही हूं, जो व्यवहार में मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, समाधिस्थ योगी और यहां मुर्दा, उसे गुस्सा नहीं आएगा। उसे जमीन में लटा दो, बर्फ पे लटा दो, आग में डाल दो, पानी में डाल दो, मुर्दा कुछ बोलता ही नहीं। यहां समाधिस्थ योगी, ये बाकी इस बीच में जितने लोग हैं, मृदु, मध्य या तीव्र, आ सकता है। लेकिन जब हमारा लक्ष्य इतना दूर है समाधि का, और वहां पहुंचना है, तो हम ये सब चीजों को तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोई भी विकार मन का, कोई भी उत्तेजना, क्रोध, चिंता, भय, वो तीव्र नहीं हुए कभी, मध्य भी ना हुए कभी, कम कर लो। अपने क्रोध के टेम्परेचर को कम करना हमारे हाथ में होना चाहिए। असूलन, इसी वास्ते कुछ एक षटकर्म की क्रियाओं को करने से बड़ा फायदा मिलता है। कुंजल क्रिया करे, महीने में एक बार भले करे, तो कुंजल क्रिया नॉट ओनली क्लीन्स अप योर स्टमक एंड रिमूव्स ऑल द सरप्लस एसिड्स एंड द अदर फ्लेम एंड द अदर माइक्रोब्स फ्रॉम योर स्टमक, बट एक्चुअली द स्टमक इज ऑल्सो सीट ऑफ योर एंगर एंड फियर। सो दैट्स द साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ डूइंग कुंजल। क्रोध के तापमान को कम करने के लिए थोड़ा नाचे, थोड़ा गाए, थोड़ा बच्चों के साथ ही खेल ले, क्योंकि ना बच्चे जो है ना, उनसे आप चैलेंज नहीं होगे, और बच्चे खेल खेल में तुम्हें गधा भी बनाएंगे, घोड़ा भी बनाएंगे, बच्चे खेल खेल में तुमसे बहुत कुछ करवा लेंगे जो बड़ा नहीं तुमसे करा सकता। ये भी मैं उनके लिए कह रही हूं जो थोड़े से ठीक ठाक हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूं जिन्होंने क्रोध में अपने बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया था क्योंकि रो बहुत रहा था। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं तुम्हारा गुस्सा ऐसा नहीं है, तो थोड़ा हल्का फुल्का रहना, हर चीज के लिए इतना पर्टिकुलर नहीं हो जाना, थोड़ा सा झुक जाना, थोड़ा सा नर्म चलना, थोड़ा सा सामने की, सामने वाले व्यक्ति की भूल को इग्नोर कर देना, ये कह के कि मैं उसकी जगह होता तो मैं भी तो यही चाहता ना कि भाई माफी दो, बच्चे की जान लोगे क्या, छोड़ दो। तो अगर दूसरे के लिए हम ये नहीं कर सकेंगे तो हम अपने लिए कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई हमें क्षमा करे। Being little open, being giving, dancing, singing, playing, this all opens up our heart, helps us to release some pressures from the mind. क्यों क्यों हम ये करें कि हम अपने तेज क्रोध को मध्य तल पे लाएं और मध्य से भी उसको मृदु ले आए,
क्यों? इसलिए क्योंकि इसका फल जो है, इन क्लेशों को, इन खराब वृत्तियों को मन में बनाने का फल दुख ही तो है, और है क्या? तो मैं अपने जीवन को दुख से क्यों भरूं? और ये कि अगर मैं किसी पर हिंसा करूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा, जो मैं बेईमानियां करूंगा, जो मैं चोरियां करूंगा, जो मैं स्वाध्याय और तप नहीं करूंगा, तो मैं अपने आप को अनंत दुख में डाल रहा हूं। तो मैं क्यों डालूं खुद को दुख में? श्लोक कहता है शास्त्र में, सर्वभूत हिते रता, सर्व का कल्याण हो। पर सर्व का कल्याण वही सोच सकता है ना जो पहले अपना कल्याण करे। तो सबसे पहले इस दिल का कल्याण करो, इस मन का कल्याण करो, इसके वेगों को कम करो, और वेगों को कम करने के लिए सेवा करो। द जॉय ऑफ सर्विंग अदर्स, द जॉय ऑफ गिविंग अवे योर टाइम, मनी, एनर्जीज, for bringing smiles on somebody's lips. If you are a householder, and if you are living in an ashram, then you have a very good opportunity to serve all the other seekers and co-brother disciples who are coming to the master. Serve them. बहुत सुंदर कहानी है, जीवन की घटना है चौथे गुरु रामदास की। गुरु अमरदास जी ने इनको गद्दी में बैठा दिया, गुरु हैं, पर इनकी आदत थी सेवा की। तो गुरुदेव का दर्शन करने दूर दूर से लोग आते, और इनकी आदत होती थी कि आए हुए सब संगत के, दर्शनार्थियों के खाने का प्रबंध देखना, उनके आराम का प्रबंध देखना, उनके धर्मशाला में रुकने का प्रबंध देखना, और तो और उनके घोड़ों को पानी पिलाना, कि भाई घोड़े भी तो थक गए होंगे। एक बार कहते हैं सिंध से संगत आई अमृतसर गुरु का दर्शन करने। अब गुरु का शरीर तो बदल चुका है, गुरु अमरदास जी चले गए, अब हैं गुरु रामदास। अब उस समय में फोटो तो होते नहीं थे कि सबने वहां पे देख लिए हो या क्या। और रामदास गुरुदेव को आदत थी सेवा की, तो गद्दी पे बैठे कहाँ, तो वो शाम को खुद ही निकल गए, साधारण वस्त्र पहने, और सिंध से आई हुई उस संगत को जाके पानी पिलाओ, यहाँ भोजन खाओ, यहाँ बैठो, यहाँ नहाओ, और फिर अच्छा तुम्हारे घोड़ों के लिए भी चारा का इंतजाम है। आप गुरु अपने दर्शन को आए हुए संगत के घोड़ों को घास खिलवा रहे। संगत पूछती, महाराज के दर्शन कब होंगे? कहते, अब तो सुबह ही होंगे, अमृत वेले। और अगले दिन सुबह संगत के लोग स्नान आदि करके 4 बजे पहुंच गए दरबार में दर्शन करने को। बड़ी भीड़ थी। जब उनकी बारी आई सदगुरु के सन्मुख होने की, आंखें झुकी थी, हाथ जुड़े थे, नमस्कार किए, शीश निवाया, जब सिर उठा के दर्शन के लिए चेहरे का क्या देखते हैं, अरे ये वो तो रोने लग गए। महाराज, हमने अपने घोड़े से के चारे खिलवाए आपसे, ये इतनी बड़ी भूल हमने कैसे कर दी? महाराज, हमने तो इतनी गलती कर दी। कोई बोले इन्होंने मुझे पानी पिलाया, कोई बोले आपने मुझे भोजन खिलाया, कोई बोले मेरे पैर से जूते निकाल के पैर धुलवाए, कोई कहे मेरे लिए बिस्तरा बिछाया। गुरु रामदास इतनी नम्रता, इतना प्रेम, गुरु गद्दी पर बैठ गए हैं, स्वयं गुरु हैं, लेकिन सेवा करने का आनंद वो छोड़ नहीं पाए, गुरु होके भी कर रहे हैं। किसी ने पूछा, महाराज आपने ऐसा जो किया, आपकी तो बड़ी करुणा है, पर किया ही क्यों आपने ऐसा?
तो आपने जवाब दिया, कह रहे मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं गुरु हूँ, मुझे लगता है मैं तो अपने गुरु दरबार का आज भी चाकर हूँ, मैं दास हूँ मैं उसका, मैं तो कुछ भी नहीं था। अपनी नानी के साथ आया था दर्शन करने को, सेवा करने को, दर्शन सेवा करते करते गुरु ने पहले अपनी बेटी से मेरा ब्याह कर दिया और फिर ला करके मुझे इस गुरु गद्दी पर बैठा दिया, उसकी जो आज्ञा वो मेरे सिर मत्थे पर, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं, मैं तो उसके दरवाजे का नौकर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। महापुरुषों का, गुरुओं का जब हम जीवन देखते हैं, जब वो एक साधक थे, प्रेमी थे, तब भी उनके जीवन इतने सुंदर, जब वो स्वयं गुरु सुशोभित हो गए, ब्रह्मवेत्ता हो गए, तो भी वो जो उनका स्वभाव है प्रेम का, सेवा का, वो वैसे का वैसा ही है। वो किसी को सुना नहीं रहे, किसी को कह नहीं रहे, किसी को इशारे से भी नहीं बता रहे पता है मैं गुरु, और एहसान भी नहीं जता रहे कि देख मैंने तेरे लिए कल क्या कुछ किया था। वो उनके स्वभाव में, और गुरु रामदास की वाणी खास करके जब हम गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है दिल को मोम की तरह पिघलाने वाले शब्द इन्हीं के होते हैं। कि बहुत बार जब मैं सुनती हूं किसी का कीर्तन तो शब्द की उन पंक्तियों को सुनते ही जहां प्रेम, जहां वैराग, जहां सेवा, जहां नम्रता, जहां इस तरह की भावनाएं आती हूं ना, लगता है हो ना हो ये चौथे गुरु रामदास जी का ही है, और बहुत बार उन्हीं का निकलता है। हालां बाकी छह गुरुओं की वाणी भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है, लेकिन गुरु रामदास की विशेष करके, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक एक चीज को भोगा है, तड़प को, प्यार को, सेवा को, नम्रता को, सत्संग को, गुरु की कीमत क्या है वो जानते हैं। और जब प्रेमी आता है दर्शन करने को और कैसे तड़पता है मिलने को, ये वो भी जानते हैं, और प्रेमियों को क्या कष्ट होते होंगे वो भी जानते हैं। इस कारण यम और नियम ऐसे हैं कि समाधि हो गई तो भी इनकी आवश्यकता और इनकी उपयोगिता खत्म नहीं हो जाती, पर फिर यह है कि वो करने की चीज नहीं हो जाती, फिर तो वो स्वभाव हो जाता है।